नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में खेत की बुआई कर रहे चाचा भतीजे की अपराधियों ने गोली मार कर की हत्या। एसडीपीओ ने जताई पारिवारिक रंजिश में हत्या की आशंका। नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने खाई सल्फास, 5 की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर, इलाके में शोक की लहर। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम ने निबंधन अधिकारी के आवास पर मारा छापा, कई दस्तावेज बरामद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मियों का नया कारनामा आया सामने, कुलपति के वेतन से जुड़े दस्तावेज गायब। और फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर अभियुक्त तो और उसके परिजनों ने किया हमला, पुलिस छापनी में तब्दील हुआ इलाका। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर पिरपैती थाना क्षेत्र अंतर्गत परशुरामपुर पंचायत मंगाली टोला स्थित जवती वहियार में खेत की बुआई करा रहे चाचा भतीजे की बुधवार को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना में दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जिसके बाद अपराधी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। वहीं मृतक चाचा भतीजे की पहचान तेज नारायण सिंह के 35 वर्षीय पुत्र मोनू सिंह एवं स्वर्गीय गुड्डू सिंह के 17 वर्षीय पुत्र अल्टेकर सिंह के रूप में हुई है। इस घटना को लेकर बुधवार की शाम से ही इलाके में दहशत का माहौल बन गया है, जबकि घटना की सूचना मिलने पर मुखिया पवन यादव मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं इसके बाद एसडीपीओ शिवानंद सिंह पुलिस अधिकारी और जवानों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। इसको लेकर एसडीपीओ ने पारिवारिक रंजिश में हत्या किए जाने की आशंका जताते हुए कहा कि घटना में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। नवादा के गढ़पर मोहल्ले में एक ही परिवार के 6 लोगों ने सल्फास की गोली खा ली, जिससे 5 की मौत हो गई जबकि 1 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना में गढ़पुर निवासी केदारनाथ प्रसाद गुप्ता, उनकी पत्नी अनीता गुप्ता, बेटी सोनाक्षी कुमारी, बेटा ध्रुव कुमार की मौत हो गई है और एक बेटी साक्षी कुमारी की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक केदारनाथ काफी कर्ज में डूबे हुए थे और इसको लेकर वे और उनका परिवार काफी दबाव और तनाव में चल रहा था। वहीं आशंका जताते हुए लोगों ने कहा कि इस घटना से परेशान होकर ही अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, जबकि गंभीर हालत में इलाजरत मृतक की पुत्री साक्षी के ठीक होने और पुलिस जांच के बाद ही घटना की सच्चाई सामने आ पाएगी। इधर मामले में पुलिस भी फिलहाल कुछ भी बोलने से बच रही है। बता दें कि कर्ज के दबाव और आर्थिक हालत बदतर होने के बाद पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या की खबरों में काफी वृद्धि देखी जा रही है, जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ना सिर्फ सरकार बल्कि समाज और परिवार के लोगों द्वारा सामूहिक प्रयास और तनावग्रस्त लोगों के लिए उचित काउंसलिंग की भी जरूरत है। टाउन थाना क्षेत्र में कल रात को इस परिवार के 6 लोगों ने जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इनमें से 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 1 बच्ची अभी इलाजरत है। इसके पीछे प्रथम दृष्टिया बताया जा रहा है कि कुछ कर्ज से परेशान होकर इन लोगों ने कदम उठाया है, परंतु पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। इसके संबंध में हम लोग कांड दर्ज करके अंतर अनुसंधान कर रहे हैं। सर, मजार पास से कुछ सस्पेक्ट कुछ बरामद हुआ है वहाँ से घटनास्थल से? अभी अनुसंधान का विषय है, सभी चीज़ों पे हम लोग अनुसंधान करके जो कानूनी के हिसाब से उचित कार्रवाई होती है। आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की टीम ने मुजफ्फरपुर में पदस्थापित निबंधन विभाग के अधिकारी प्रशांत कुमार की आवास पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। दरअसल प्रशांत कुमार मुजफ्फरपुर में निबंधन विभाग के AIG पद पर कार्यरत है और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मिलने पर विजिलेंस द्वारा इनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर प्रशांत कुमार के सिवान और पटना आवास पर विजिलेंस टीम की छापेमारी चल रही है और इसमें जांच टीम को उनके आवास से कई जरूरी दस्तावेज भी बरामद हुआ है। फिलहाल छापेमारी जारी है, जबकि इस कार्रवाई से सरकारी महकमे में हड़कंप का माहौल है। हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चर्चा में रहने वाला तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय एक बार फिर से विवादों को लेकर चर्चा में है।
कभी छात्रों की समस्या और परीक्षा परिणाम को लेकर तो कभी डिग्री या छात्र संगठन की मांग के मुद्दों को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। लेकिन अब यहाँ एक नया मामला सामने आया है जिसमें अधिकारियों और कर्मियों की कारगुजारी से कुलपति के वेतन से जुड़े जरूरी दस्तावेज ही घपला कर दिया गया है। दरअसल TMU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के वेतन के जरूरी दस्तावेज गायब हो गए हैं, जिसके बाद नाराज कुलपति ने अब वेतन लेने से ही इनकार कर दिया है। इसको लेकर कुलपति ने शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन और पेंशन का आदेश जारी कर दिया है, लेकिन अपने वेतन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किया। बताया जा रहा है कि पदभार ग्रहण के बाद से कुलपति का यह पहला वेतन था, लेकिन वेतन की फाइल गुम हो जाने के बाद यह विवाद शुरू हो गया। कुलपति की फाइल स्थापना शाखा में तैयार होने के बाद अकाउंट्स FO और कुल सचिव के टेबल से होते हुए वित्त परामर्शी के पास पहुंची थी और इसके बाद से पूरी फाइल ही गायब है। इसके बाद TMU प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं इसको लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि पहली बार उनका वेतन आना था और वेतन संबंधी कागजात भी गायब है, और जब उनके साथ ये हो सकता है तो अन्य शिक्षकों कर्मचारियों के साथ क्या हो सकता है, यह बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि अकाउंट ब्रांच के SO और संबंधित अन्य कर्मियों से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है, और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा है कि जहाँ तक आपने वेतन को छात्रों के सर्टिफिकेट से जोड़ दिया, यह बात गलत है। छात्रों का यहाँ सर्टिफिकेट आपको पता होना चाहिए कि अखबारों में ऑलरेडी निकल चुका है कि जीरो है, एक भी छात्र का पेंडिंग नहीं रहता है। मैं जैसे आया उसी तरह से मैंने अनाउंस किया था कि एक सप्ताह में मैं जीरो कर दूंगा यहाँ छात्र के सर्टिफिकेट का, देयर इज नो प्रॉब्लम। पहले छात्र की समझ। जहाँ तक वेतन का बात आपने बोल रहे हैं, कुलपति ने, मैंने अपना ही वेतन इसलिए रोक दिया और सभी पेंशनधारी और शिक्षकों का वेतन रोक दिया, मैं मतलब पेमेंट कर दिया और अपना रोक करके, चूँकि मुझे तो पहली बार वेतन मिल रहा है इस विश्वविद्यालय से, तो उसका फिक्सेशन करते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र FA ने जो रफ शीट बनाया था फिक्सेशन का, वो दो तरह से उसका कैलकुलेशन उन्होंने किया था। वो मैंने फाइल जब देखी तो ओरिजिनल फाइल में ऑलरेडी वह शीट ही गायब है, और जबकि इन लोगों ने पेमेंट का फाइल बढ़ा दिया है, मेरा अकाउंट सेक्शन से पेमेंट का फाइल, जब हम कैलकुलेशन वाला शीट नहीं देखे और पेमेंट का, तो हो सकता है कि मुझे संदेह हो गया कि क्यों गायब हुआ। उस पर मैंने इंक्वायरी करना शुरू किया। यहाँ सर्वानंद जी हैं, अकाउंट्स के SO हैं, मैंने पूछा कि ये चीज़ कहाँ थी, क्योंकि आपने तो देखी थी, तो बोले कि हाँ सर मैंने देखी है। उन्होंने किसी दूसरे का नाम बताया, फिर तीसरे का नाम बताया। बांका अमरपुर थाना क्षेत्र के मौलनाचक गांव में फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर अभियुक्त और उसके परिजनों ने हमला कर दिया। इस दौरान आरोपियों ने पुलिस के जवानों से दो सरकारी पिस्टल, मोबाइल, सोने की चेन और पर्स छीन लिया। घटना में टाइगर मोबाइल के जवान महेंद्र कुमार और मुकेश कुमार जख्मी हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में इलाज के लिए रेफर अस्पताल अमरपुर में भर्ती कराया गया। जबकि घटना को अंजाम देने के बाद फरार वारंटी लाल मोहन गोस्वामी भागने में सफल हो गया। इधर मामले की जानकारी मिलते ही अमरपुर एवं सजौर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए फरार वारंटी के भाई पांडव गोस्वामी समेत परिवार के कई लोगों को हिरासत में ले लिया है, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर SDPO विपिन बिहारी के नेतृत्व में अमरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार एवं कई थाना की पुलिस ने आरोपितों की गिरफ्तारी एवं सरकारी पिस्टल की बरामदगी के लिए पूरे गाँव में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आरोपित वारंटी पिस्टल लेकर फरार हो गया। फिलहाल पूरे गाँव में पुलिस छापनी में तफ्तील है। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क TV। कुछ दिन घर के बाहर घर जैसा एहसास चाहिए तो चिंता क्या है। पिछले 20 साल से होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड आपकी सेवा में है। यहाँ स्टैंडर्ड प्रीमियम और क्लासिक रूम्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट्स और साथ ही इंडियन कॉन्टिनेंटल और चाइनीज खाने का लुत्फ उठाएं हमारे मिनर्वा रेस्टोरेंट में। कोई भी समारोह या कॉन्फ्रेंस के लिए बैंकेट हॉल की भी सुविधाएं उपलब्ध है, तो जरूर आए होटल अपोलो एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड, मल्लागुड़ी, सिलीगुड़ी। होटल अपोलो, हियर एवरी क्यूबिक स्पेस इज अ मिरेकल। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर,
पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के अपने उद्देश्यों में सफल रहे अवर प्रादेशिक नियोजनालय। भागलपुर को राज्य में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। नियोजनालय अधिकारियों के प्रयास से भागलपुर ने टारगेट से ज्यादा जॉब कैंप लगाया और बेरोजगारों युवाओं को रोजगार दिलाया। जॉब कैंप लगाने एवं रोजगार दिलाने में नियोजनालय ने 107.41% की उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2022-23 के अक्टूबर तक के जारी जॉब कैंप टारगेट अचीवमेंट रिपोर्ट पर गौर करें तो बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में औरंगाबाद जिला ने भागलपुर को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इसे पछाड़ते हुए भागलपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। सहायक निदेशक भरत राम ने बताया कि जिले के पढ़े लिखे बेरोजगारों को निजी कंपनियों में नौकरी के लिए अब दूर प्रदेशों में भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए समय समय पर जिला नियोजनालय द्वारा नियोजन मेले का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भागलपुर के जिला स्कूल में 22 एवं 23 नवंबर को 2 दिवसीय प्रमंडल स्तरीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में 20 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार का अवसर मिलेगा। सहायक निदेशक भरत राम ने भागलपुर एवं इसके आसपास के युवाओं को रोजगार मेले में आकर लाभ लेने की अपील की है। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के द्वारा और प्रादेशिक नियोजनालय भागलपुर के द्वारा परमंडल स्तरीय नियोजन मेला का आयोजन किया गया है। यह नियोजन मेला 22 और 23 नवंबर को अर्थात 2 दिवसीय नियोजन मेला है, जिसमें निजी क्षेत्र की कंपनियों का आमंत्रित किया जाएगा और निजी क्षेत्र की जो कंपनियां होंगी ये निजी क्षेत्र में भी हमारे जो इच्छुक रोजगार पाने वाले बेरोजगार युवा और युवतियाँ होंगी उनको रोजगार पाने का एक बहुत अच्छा अवसर है, एक सुनहरा अवसर है इस जिला के या फिर इस परमंडल के जितने भी बेरोजगार युवा साथी हैं उनके लिए। तो मैं चाहूँगा कि इस मीडिया के माध्यम से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो एक दूसरे को ये बताएं कि निजी क्षेत्र में रोजगार के भी सुनहरे अवसर हो सकते हैं और इस अवसर को तलाशने के लिए 22 और 23 नवंबर 2022 जो जिला स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा, जिला स्कूल भागलपुर के प्रांगण में यह रोजगार मेला 22 तारीख को शुभारंभ होगा और इसका समापन 23 नवंबर 2022 को होगा। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने भी रोजगार पाने वाले युवा साथी हैं उनके लिए निजी क्षेत्र में रोजगार का सुनहरा अवसर है, इस रोजगार मेला में भाग लें और सरकार के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। भागलपुर के बाद थाना क्षेत्र अंतर्गत खानपुर पंचायत स्थित गहरा नदी और सड़क किनारे अपराधियों ने एक 32 वर्षीय युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। घटना को लेकर मृतक के परिजनों का कहना है कि युवक बुधवार की शाम घर के समीप ही पानी लाने चापानल पर गया था, इसके बाद वह लापता हो गया। वहीं वापस घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका। इधर गुरुवार की सुबह लोगों ने लापता युवक का शव गहरा नदी के पास देखा, जिसके बाद वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। इसके बाद मृतक की पहचान खानपुर पंचायत के आभा रतनपुर गांव निवासी मनोज दास के पुत्र करण कुमार के रूप में हुई है। वहीं इसको लेकर मृतक के भाई ने बताया कि उसके भाई की पत्नी का अपने बहनोई के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और कुछ दिन पूर्व आकाशीय बिजली की चपेट में आने से उसके भाई के पुत्र की मौत हो गई थी, जिसके बाद मुआवजा राशि को लेकर विवाद चल रहा था। साथ ही इसी मामले में भाई की हत्या होने की आशंका जाहिर की। इधर घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अनुसंधान शुरू करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसको लेकर पुलिस ने बताया कि मृतक के भाई के द्वारा बाद थाने में आवेदन देकर हत्या करने का आरोप उसकी पत्नी गुड़िया कुमारी और पिता पर लगाया गया है। साथ ही कहा कि फिलहाल पुलिस ने एक मोबाइल जब्त कर पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। सर मेरा भाई है, करण कुमार इसका नाम है जी। सर 4:30 के लगभग ये घर से गायब था और बोल के किसी को नहीं गया था। उसके बाद सर कुछ देर के बाद पता लगा कि भाई नहीं आया। इसकी वाइफ बोली कि पानी लाने के लिए बोले थे, बोला मैं आ रहा हूँ, अभी तक आया नहीं, जरा फ़ोन करके देखो कहाँ है। तो फ़ोन इसको किए तो फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उस टाइम से खोजना शुरू किए हम लोग, तो रात में सर इधर उधर फ़ोन फान किए, उसके बाद पता नहीं लगा। इसको फ़ोन किए तो रिसीव नहीं कर रहा था, तब हम अपने रिलेशन में फ़ोन किए, सारी जगह फ़ोन किए, कहीं पता नहीं लगा। उसके बाद सर सुबह 6:30 के बाद कुछ लोग ने ऐसे शोर शराबा किया तो हम लोग पहुँचे वहाँ पर। कहाँ पहुँचे? गहरा नदी पुल के पास रोड किनारे रखा हुआ था।
भागलपुर हाबीपुर थाना क्षेत्र के नफटोलिया गांव में बेखौफ बदमाशों ने महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इस दौरान पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, साथ ही लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम हाट बाजार से घरेलू सामानों की खरीदारी कर वापस अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए अपराधियों ने महिला को गोली मार दी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक महिला की पहचान रानी देवी के रूप में हुई है। आशंका जताया जा रही है कि जमीनी विवाद के कारण महिला की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। ये शाजंगी नवटोलिया एरिया की घटना हुई है। इसमें एक मीरा देवी नाम महिला को दो लोगों ने गोली मारी है। अब उनका पुष्टि हो रही है कि उनकी मृत्यु हो गई है और अभी बाकी शिनाख्त जारी है। उनमें जो भी शामिल है घटना में उसका हम पता कर रहे हैं। भागलपुर में एक पिता के आंखों के सामने ही उसके बेटे को दो युवक ने गला दबाकर मार डाला। घटना बरारी थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि बरारी रेलवे क्वार्टर के समीप कुछ दिन पूर्व बच्चों के खेलने के दौरान दो परिवारों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें दोनों परिवार के लोगों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी दी थी। गुरुवार को पवन हरि अपने घर में था। इसी दौरान पास के ही मनोज हरि अपने एक अन्य साथी के साथ पहुंचा और पवन के सामने ही बच्चे के मुंह में कपड़ा डालकर उसका गला दबा दिया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही बरारी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई। दारू पी कर फिलहाल रहता है, अपना भगनी भी को एक बार पटक के मार दिया, एक बार वो भी कंड खत्म कर दिया, एक बार सरबन जो गोढ़ी था उसको भी मार के खत्म कर दिया था। फिर भी आवरी खेप ने मेरा नतनी को जो अशोक जो नतनी है उनको खुद ने अपना हाथ से उन्हें हमको पवन जो जमा है उसको पटकने लगा, उठा पटक करने लगा, उससे छुरी जो चना ले लगा ना वही छुरी को हाथ से इतने में जो बच्चा लेकर भागने लगा। तो ये कहानी जहाँ तक हुआ इसको कहानी लेकर मार दिया बच्चा को माथा। बच्चा किसके हाथ में था? बच्चा उसका अपना मम्मी के हाथ में था और जो पवन जो हाथ से मचार के मम्मी का बच्चा है। हाँ, पवन ड्रोम का बच्चा है। बच्चा पुत्र में झगड़ा हुआ सर, वो हमको धमकाने लगा सर। धमकाने के बाद वो बोला कि ठीक है तुम्हारे घर में ये सब मर्डर होगा, ये होगा, फलना होगा, 9-17 बोल दिया सर। दो दिन के बाद मेरा घर में यहाँ से ये सब हो गया। क्या हो गया? रात मतलब कई मतलब सर वो जो ना होता बर्थडे उडे मनाते हैं तो सब मेरा सास ससुर मतलब चला गया था, सब चला गया था सर। हम दो जीव अकेले थे घर में, हम सो रहे थे सर। एक बागे दो उसका बेटा है, वो उसका पापा राहुल 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 मनोज जोम दोनों आया सर। एक आदमी हमको कंठा धर लिया, एक आदमी हाथ धर लिया और चाकू से हम मारना चाहा तो हम हाथ उसका पकड़े। हाथ पकड़ने के बाद सर बच्चा को ये आया, बच्चा को जब लेके निकला नहीं तो वो जो है ना बच्चा जैसे वो लेके भागा ना तो वो एक आदमी हमको पकड़ रहा और वो जाके काली बच्चा को दे दिया। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार बिहार शरीफ प्रखंड मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अलग अलग घटनाओं से जुड़े मृतक के आश्रितों को सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिया। जबकि इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार द्वारा कुल 6 आश्रितों के बीच 12,60,000 रुपये का अलग अलग चेक प्रदान किया गया। वहीं 3 आश्रितों को आपदा के तहत 4,000,000 का चेक दिया गया। साथ ही 3 आश्रितों को पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 का चेक प्रदान किया गया। वहीं मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार आपदा से जुड़े हर तरह की घटनाओं में हर संभव सहायता लगातार करते आ रही है। जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आपदा पीड़ित परिवारों को सहायता राशि दी जाती है ताकि उनकी कुछ मदद की जा सके। नहीं, इसकी तो हम जांच हो रही है कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई है और जब जाँच होगी तब फला फलाएगा कि किन कारणों से ऐसा हुआ। मैं समझता हूँ कि आर्थिक तंगी हो सकती है लेकिन सरकार के तरफ से तो अन्य प्रकार की भी सहायता जो गरीब लोग हैं उनको पहुंचाया जा रहा है, चाहे राशन दिया जा रहा है, वृद्धा पेंशन दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की सरकार की अनेक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके तहत उन परिवारों को सहायता देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम बिहार में हो रहा है। और अंत में चलते चलते फिर से एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर में खेत की बुआई कर रहे चाचा भतीजे की अपराधियों ने गोली मार कर की हत्या। एसडीपीओ ने जताई पारिवारिक रंजिश में हत्या की आशंका। नवादा में एक ही परिवार के 6 लोगों ने खाई सल्फास, 5 की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर, इलाके में शोक की लहर।
आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस टीम ने निबंधन अधिकारी के आवास पर मारा छापा, कई दस्तावेज बरामद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मियों का नया कारनामा आया सामने, कुलपति के वेतन से जुड़े दस्तावेज गायब। और फरार वारंटी को पकड़ने गई पुलिस पर अभियुक्त और उसके परिजनों ने किया हमला, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।